हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। 125 रेडर 2023 अराइवल। एंड ये 2023 अराइवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और ये पुराना वाला मॉडल ही है जो पहले आता था। अब आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपको शायद अभी तक नहीं शेयर हुई होंगी। तो गाइस, नया वाला जो मॉडल है ना, जो इसका नया मॉडल है जिसके साथ आपको नया वाला डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, तो वो ऐसे बुकिंग पे नहीं आ रही है, वो मतलब डीलरशिप पे ऐसे नहीं आ रही है। उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, प्रॉपर स्पेसिफिक 5000 रुपीज़ दे के आपको स्पेसिफिक बुक करानी पड़ रही है गाड़ी, और तब वो आपके पास आएगी। एंड आज ही मुझे ये अपडेट मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। और उसमें एक बाउंडेशन इस तरीके से हो गई है कि अगर आपने जो मॉडल बुक किया और जो चेसिस नंबर आपको अलॉट हुआ, तो आपको वही बाइक लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बाद में मन बदल जाए और आप बोले कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे दूसरी बदलनी है, तो आपको वो नहीं मिल पाएगी। ऐसा इसमें होता है। TVS की RR 310 BTO वाला वर्जन जो आता है उसमें भी होता है, और इसमें भी ये चीज़ इन्होंने कर दिया। यार ये चीज़ मुझे तो पर्सनली सही नहीं लगा, तो ये एक अपडेट थी आपसे देने के लिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 2023 में अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो आपको देने पड़ेंगे 1,11,500 रुपये इन देहरादून। ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, दून TVS देहरादून में। अगर आप दून TVS देहरादून से ख़रीदेंगे तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। 125 cc की ये बाइक है। एंड पावर जो इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 8.37 PS ऑफ पावर, 11.2 Nm ऑफ टॉर्क। काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रेप्यूटेड बाइक है, काफ़ी मतलब रिलायबल, और काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसमें इसे। काफ़ी समय से आ रही है ये, मतलब काफ़ी समय से क्या, पिछले साल ही लॉन्च हुई थी। और फ्रंट में कुछ ऐसा इसका सेटअप है, LED लाइट का सेटअप आपको मिल जाता है। और यहाँ पे इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको LED लाइट का सेटअप प्लस ये जो DRL है। मुझे थोड़ा मतलब चीटी जैसा अजीब सा मुँह लगता है इसका। और नॉर्मल इंडिकेटर जो आपको देखने को मिलेंगे सटा देते हैं, हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसमें एक ख़ास बात यह है कि दो डेडिकेटेड स्विच भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इको और पावर का। और ये प्रॉपर वर्क भी करते हैं, ऐसे नहीं है दिया है तो पावर भी जस्टिफाई होती है इसमें। फ्रंट में सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, एंड सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ आती है। मतलब इसका जो टॉप वाला वेरियंट है वो आता है 125 cc इंजन, ऑयल कूल, एयर एंड ऑयल कूल्ड के साथ। और जो अब आएंगी नई वाली, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फ्रंट में टायर मिलता है 80 सेक्शन का, 80 117। एंड रेयर में मिलता है आई गेस 100 सेक्शन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेक कर लेते हैं, 190 17 ट्यूबलेस TVS रमोरा टायर आपको देखने को मिलता है। साउंड इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अभी मैं आपको साउंड भी सुनाऊँगा। पीछे से देखिए ऐसा कुछ इसका लाइट का सेटअप है, नॉर्मल हेलोजन, ये आपको LED। टायर की ऐसे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से लगती है। यहाँ पे साड़ी गार्ड, और जो सीट का डिज़ाइन है ना, स्प्लिट सीट मिलती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज भी मिलता है इसके अंदर, मतलब थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, पेपर रख सकते हैं, कि ग्रैब रैक। और यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग का सॉकेट, यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छा चीज़ इसका ये लगता है, अब ये वाला जो स्पीडोमीटर है आपको, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपको TVS की रेडियन में भी देखने को मिलता है। उसकी वीडियो मैंने चैनल पर बना के डाल दिया, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे साइड स्टैंड फीचर के साथ RPM और एवरेज भी दिखाती है आपको। दो स्विच है मैंने इको और पावर का, दोनों आपको दिखा दिए। देखिए इको और पावर, टाइम, स्पीड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है, RPM, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये डे लाइट में विजिबल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है, इसे बंद कर देते हैं। डे लाइट में इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नीचे देखिए इंजन कटआउट, साइड स्टैंड सेंसर प्लस इंजन कटआउट सेंसर के साथ मिलती है। नीचे प्लास्टिक का ये आपको इंजन केस देखने को मिलते हैं, ये अगर टकरा जाए तो, वैसे तो मतलब प्लास्टिक है यार, ज़्यादा रिलायबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी है तो इससे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसका जो डिज़ाइन है ना, बहुत अच्छा डिज़ाइन है और बहुत कॉम्पैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है TVS का जो 125 cc के अंदर वाले इंजन है, वैसे तो खैर सारे इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन ये वाले इंजन बहुत ही ज़्यादा, बहुत प्यारे एंड बहुत ही सही चलते हैं, क्योंकि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तगड़े माने जाते हैं। मतलब
ऐसा देखो इसका कुछ इंजन का डिज़ाइन है। यहाँ से देखो आप प्रॉपर, ये यहाँ पे देखो कर्व ये मतलब इसके ऊपर ये प्रोटेक्शन, यहाँ से कुछ ऐसा डिज़ाइन है। एक ये कैटेलिटिक कन्वर्टर हो गया, ठीक है, और ऐसे कुछ से कुछ फुटपैक्स हैं। तो ये तो हो गई इसकी सारी स्पेक्स। अब टायर्स मैंने आपको बता दिए, लाइट मैंने दिखा दी। 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 10 लीटर आप फ्यूल टैंक भराइए। और इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है यार, 55, 60, 65, मतलब काफ़ी अच्छा माइलेज है। मतलब मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों ने मतलब बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी बने हुए हैं इसके, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, पहले से आती है, बहुत अच्छा माइलेज देती है और बहुत अच्छी पावर है यार इसमें, बहुत सही चलती है बाइक। इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है बाइक, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। और पीछे का जो शॉकर है इसमें फाइव स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज सस्पेंशन मोनोशॉक है। अगर मैं आपको दिखाऊं अंदर तो वहाँ पे देख लीजिए, ऐसा इसका कुछ लुक है। इंटेलिगो टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इंटेलिगो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, आप जैसे खड़े रहेंगे ना ट्रैफिक में 10 सेकंड तक, तो गाड़ी अपना बंद हो जाएगी। फिर आप, अभी मेरे दोनों हाथ एंगेज है, वरना मैं करके दिखाता भी दिखाऊँगा आगे। और जैसे एक्सेलरेट करेंगे आप तो गाड़ी बिना किक करे अपना आप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसकी, ये इनकी इंटेलिगो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छी है और यूज़फुल भी है। बाकी GTT टेक्नोलॉजी तो लगभग सब में आती है। एंड यही इसकी सारी चीज़ें हैं यार, मतलब 111,500 ऑन रोड इन देहरादून अभी इसका प्राइस है इस वाले मॉडल का पर्टिकुलर। तीन कलर आते हैं, येल्लो देखो, येल्लो खड़ा है, रेड भी है, ये पर्पल वाला मेरे सामने खड़ा है। देहरादून में गाड़ी यार अवेलेबल है, पहले ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी स्टॉक है इस वाले मॉडल्स का पर्टिकुलरली। और अगर आप नया वाला देखना चाहें जो नए वाले मीटर के साथ है, तो उसका हिसाब किताब कुछ और है, उसको आपको प्रॉपर मेटावर्स करके इन्होंने जो बीच में लॉन्च किया था, तो उसकी वजह से आई गेस बुकिंग वाला जो चक्कर है ना वो इन्होंने कर दिया है। ETFI टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर भी लिखा है इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये सारे इसके ओवरऑल स्पेक्स हैं और सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको ये सब चीज़ें तो शेयर कर दी। अब फटाफट से मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ और राइड करते हैं, इसे चला के देखते हैं कि कैसे चल रही है। वैसे तो मैंने काफ़ी चलाई है इसे, लेकिन फिर भी नई मशीन को जैसे ही चलाओ तो एक अलग सा फील आता है, और नई मशीन चलाने में हमेशा बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए फटाफट से इसे राइड करते हैं। बहुत ही अच्छी है और सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। देखिए 5'7" हाइट वाले मेरे इसमें पैर काफ़ी अच्छे तरीके से पहुँचते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 5'7" हाइट के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वेयरी मशीन है ये। और जो इसका इंजन स्टार्ट है ना, बहुत ही साइलेंट है यार ये देखो, आपको पता भी नहीं लगेगा गाड़ी स्टार्ट हो गई, आवाज़ से पता लगेगा आपको। तो चलते हैं, इसे थोड़ा सा चलाते हैं। मतलब इसका जो 125 सीसी का इंजन है ना यार, बहुत ही प्यारा इंजन है, मतलब आपको अंडर पावर नहीं लगेगा ये इंजन, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसमें महसूस करी। और जैसे मेरे पास, मेरी जो पहली बाइक है वो होंडा स्टनर है, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है यार, मेरे को बहुत साल तक, अभी भी है, अभी मैंने बहुत अच्छे से रखी है। देखो होंडा का इंजन की बात ही अलग है, उसका बहुत साइलेंट होता है, लेकिन मुझे जो पसंद है वो पसंद है साउंड, और बहुत रिफाइन इंजन होते हैं उनके, ऐसा नहीं है इनके नहीं होते, इनके भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन और बढ़िया इंजन हैं, और बहुत मज़ा आता है इसे भी चलाने में। देखो आप ये ज़रूर बताना कि आपको जो मैंने वो चीज़ बताई, देखो गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है इसकी यार, बहुत अच्छे से विजिबल होती है, ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। जो हाँ, जो मैं आपसे चीज़ बोल रहा था और शेयर करना चाह रहा था वो ये बोल रहा था कि अब जो बुक कराने वाला चक्कर हो गया ना, जो इसका नया वाला मॉडल है जो अभी इन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें जो डिजिटल मीटर है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत प्यारा है। तो देखो इसमें एक GTT टेक्नोलॉजी, हाँ तो पहले उसे कवर ख़त्म कर लें जो मैं बोल रहा था, तो आप वो ज़रूर बताना कि वो जो फाउंडेशन कंपनी ने आप लगा दिए ना, कि जो पहले 5,000 दे के मॉडल को बुक करें
फिर स्पेसिफिक जो गाड़ी आपने बुक करी वही गाड़ी आपको मिलेगी। इस वजह से डीलरशिप पे भी यार बहुत कम आ रही है यार गाड़ी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और देखो इसमें एक, देखो अभी यहाँ देख रहे हैं आप, इंटेलिगो एक्टिवेट भी हो चुका है। और एक चीज़ और अच्छी लगती है मुझे इसमें, जो जिसे GTT टेक्नोलॉजी बोलती है कंपनी, बिना एक्सेलरेट करे ना गाड़ी अभी 15 की स्पीड में क्रूज़ कर रही है। अगर देखो मैं गियर लगाऊंगा सेकंड, तो स्पीड अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। देखो 11 पे रिड्यूस हो गई, ठीक है। गियर लगाऊंगा अगर मैं फर्स्ट, तो स्पीड सर 8 या 9 पे बाउंड हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर लगा। देखो घट 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 करने भी लग गई, क्योंकि थोड़ा सा इंक्लाइन है हल्का सा। तो ये सारी बातें, मतलब यही सारी बातें हैं, यही सारी चीज़ें हैं 2023 में, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप, आपका क्या व्यूज़ है इस गाड़ी के बारे में और आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ कि आपका कम से कम टाइम और डेटा दोनों ही चीज़ लूँ और सारी चीज़ आपसे शेयर कर दूँ। तो बाकी कुछ छूटा हो तो सामने इंस्टाग्राम डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन से नोट पे, और मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, बी सेफ एंड राइड सेफ।